बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ साहब का शागिर्द। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप सबको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाइयों, आज जो मैं अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, ये अमल मोहब्बत का अमल है। इस अमल से आप किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, किसी को भी अपने ताबे कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो किसी और से मोहब्बत करती है। आप चाहते हैं कि वो ख़ुद आकर आपसे अपने मोहब्बत का इजहार करे, आपसे मोहब्बत करने लगे, वो जिससे भी मोहब्बत करती थी या करती है उसको छोड़ दे। तो मेरे भाइयों, एक बार अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। उसके दिल में सिर्फ़ आप ही होंगे, वो हर वक्त आपके बारे में सोचेगी, आपसे मिलने को तड़पेगी। जब तक आपसे मिलेगी नहीं, आपसे रابطہ नहीं करेगी, आपसे ख़ुद आकर अपने मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, उसको सुकून और आराम नहीं आएगी। ये अमल बहुत ही आसान है। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। दोस्तों, ये अमल एक कील पर किया जाने वाला अमल है। आपने एक कील लेकर आना है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अमल बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक कील लेकर आया हूं, आपने भी इस तरह एक कील लेकर आना है और आपने इस अमल को करना है। कील चाहे लोहे की हो या स्टील की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने एक कील लेकर आना है। कील लेकर अपने हाथ में रखना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा अपने महबूब का नाम लेना है, सिर्फ अपने महबूब का नाम लेना है। उसके बाद आपने इस मंत्र को पढ़ना है जो स्क्रीन पर आ रहा है। आपने इस मंत्र को सिर्फ 91 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, यानी फ़िलां बिन फ़िलां, यानी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और फिर से 11 मरतबा अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम आपने लेना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपने इस कील पर दम कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने इस कील को अपने घर के किसी भी दीवार में लगा देना है। याद रहे, आप जब पहली बार इस कील को लगाएंगे तो आपने आधा हिस्सा कील का दीवार में होना चाहिए और आधा हिस्सा उसका बाहर होना चाहिए। दोस्तों, आपने इस मंत्र को 3 दिन तक कील पर दम करते रहना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने जब 3 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने कंप्लीट कील को दीवार में ठोक देना है, यानी ये कंप्लीट तौर पर दीवार के अंदर होना चाहिए। बस दोस्तों, आपने इतना ही करना है। इसके बाद इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। जिसके लिए भी आप इस अमल को करेंगे, उसके दिल में आपके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा होगी, ऐसी मोहब्बत पैदा होगी, वो खुद आपसे रابطے करने पर मजबूर होगी, आपसे मिलने के लिए परेशान होगी। जब तक आपसे मिलेगी नहीं, जब तक आपसे बात नहीं करेगी, जब तक अपने मोहब्बत की इजहार नहीं करेगी, उसको सुकून और आराम नहीं आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगा एक खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।